मध्य प्रदेश के इंदौर में 19 साल की युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि विदिशा की शमशाबाद की युवती और आरोपी 24 वर्षीय छोटेलाल मीणा के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। आरोपी युवती को शादी करने के नाम पर 9 अप्रैल को इंदौर लेकर आया। यहां उसके दो दोस्त आनंद मीणा और दीपक मीणा भी उसके साथ आए। आरोपी ने दोस्तों की मदद से आजाद नगर आर्य समाज में युवती से शादी की। इसके अगले दिन आरोपियों ने शराब पार्टी की। इस दौरान आनंद और दीपक ने युवती से संबंध बनाए। छोटेलाल और दीपक पिता के साथ किसानी का काम करते हैं। आनंद बीकॉम सेकेंड ईयर का छात्र है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने बुधवार को अपने आवास पर महत्वपूर्ण बैठक की। उन्होंने खरगोन में हुई हिंसा के मामले में कांग्रेस द्वारा गठित जांच कमेटी के सदस्यों को निर्देश दिया कि जैसे ही प्रभावित क्षेत्र में कर्फ्यू समाप्त हो जाए तो कांग्रेस की कमेटी जाकर निष्पक्ष जांच करे। जांच के दौरान कमेटी सभी पीड़ित पक्षों के बयान दर्ज करेगी और उसकी रिपोर्ट पीसीसी अध्यक्ष को सौंपेगी। खरगोन दंगे की हो रही कार्रवाई और भोपाल में 16 अप्रैल को हनुमान जयंती के जुलूस को लेकर शहर काजी मुश्ताक अली नदवी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मिला। काजी ने चेतावनी के रूप में जुलूस निकालने को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि भोपाल के कई इलाके सक्रिय और संवेदनशील है, इससे भय और बेचैनी का माहौल व्याप्त है। इस पर गृह मंत्री ने सभी पर्व त्योहार सौहार्द के साथ में मनाए जाएंगे का भरोसा दिया है। राजधानी भोपाल के माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर वीके कोठियाला की मुसीबतें बढ़ती नजर आ रही है। एमसीयू में 2003 से 2018 तक भर्तियों में हुई गड़बड़ी और अनियमितताओं के आरोप की जांच ईओडब्ल्यू दोबारा करेगी। ईओडब्ल्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अमित रंजन समाधिया ने इसके आदेश दिए हैं।